यमुना जी का सभी वैष्णव संप्रदायों में जो भी कृष्ण को मानते हैं, जो भी वैष्णवता से जीते हैं, उन सभी में यमुना जी का जो महात्म्य है वो सब वैष्णव जानते ही हैं। तो उस महात्म्य को ध्यान में रखते हुए फिर जो हमारी चतुष्टप्रिया यमुना जी हैं, जिन्हें हम प्रेम से यमुना मैया भी कहते हैं, जो भगवान कृष्ण की पत्नी तक का दर्जा जिनको दिया गया है, उन यमुना जी की ऐसी स्थिति देखकर कोई वैष्णव ऐसे ही बैठा रहे वो कदापि योग्य नहीं है। उसको कुछ न कुछ उसके रक्त में उबाल आना चाहिए कि यमुना जी की स्थिति के शुद्धिकरण के लिए, यमुना जी के सौंदर्यकरण के लिए, यमुना जी की हर संभव रीत से यमुना जी सुखरूप बहती रहें, उसमें जो प्रयास अपने से बने वो होने चाहिए। अब यमुना जी का आध्यात्मिक महात्म्य मेरे से वरिष्ठ सब गुरुजन बैठे हैं वो सब जरूर प्रकाश करेंगे, लेकिन यमुना जी के आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक स्वरूपों में एक भौतिक स्वरूप ही हमारे हाथ में है। जो उनका दैवत्व का स्वरूप है वो हमारे हाथ में नहीं है, जो नदी रूप है वो ही हमारे हाथ में है। तो कम से कम वो नदी रूप स्वरूप को हम संरक्षण कर लें। जैसे घर में हमारी बूढ़ी बीमार कोई माँ हो तो हर बच्चे का दायित्व बनता है कि वो माँ को संभाले, ऐसे यमुना भी हमारी मैया है, हमारा दायित्व बनता है कि हम हमारी मैया को संभालें और आनंद से उनको जीने दें। बस इतना ही सबसे मेरी अपील है। अभी तक ये बताया जाता था कि यमुना जी का प्रदूषण का कारण दिल्ली है, जो रिपोर्ट्स बताती हैं, एनजीटी की रिपोर्ट्स वगैरह, सरकारी रिपोर्ट्स बताती हैं, लेकिन कोरोना काल में ये सिद्ध हो गया कि असल में उस समय दिल्ली का पानी तो ब्रज में आ ही रहा था, तो बंद क्या था, फैक्ट्रियां बंद थी। तो मूल कारण हमको यमुना जी ने ही बताया कि मेरे अशुद्धि का मूल कारण फैक्ट्रियां हैं, और वो फैक्ट्रियां कहाँ हैं, यूपी में हैं, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, ये 4-5-6 जिलों में फैक्ट्रियां हैं। तो योगी जी सरकार से हमारा ये निवेदन है, ये अभियान का जो मुख्य लक्ष्य है वो यही है कि वो फैक्ट्रियों को जो है वो जीरो डिस्चार्ज जोन घोषित किया जाए, या जो सरकार के कानून है कि कोई भी फैक्ट्री का जल प्रदूषित होकर बाहर न निकले, वो यदि कर दिया जाए तो यमुना शुद्ध ही है, और ये योगी जी के हाथ में है। तो हमारी संपूर्ण वैष्णव संप्रदाय की, हमारा ये वल्लभ संप्रदाय है, केवल यही अभियान में आगे नहीं हो रहा है, ब्रज में आप जाएंगे यूपी में तो वहाँ पर बहुत सारे संप्रदाय सब हमारे साथ में है इस अभियान में। तो ये यमुना जल की शुद्धि का अभियान है, योगी जी से अपील है, वो कर सकते हैं हिंदुओं का काम जैसे वो आगे करते आए, हमारी आशा है कि वो ये कार्य भी पूरा करेंगे। बिल्कुल सभी नदियों को शुद्ध होना ही चाहिए, क्योंकि सभी नदियाँ हमारे लिए पवित्र नदियाँ हैं, सब शास्त्रों में जिनका उल्लेख होता है, हम सुबह सुबह सबका उल्लेख करते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, ये सभी माताओं के रूप में हमारे यहाँ पूजित हैं, तो निश्चित ही सभी का होना चाहिए। लेकिन गंगा और यमुना जो ये हैं, ये सबसे प्रमुख नदियाँ हैं, तो इनका शुद्धिकरण सबसे पहले हो। मांग तो सरकार से हमारी यही रहेगी कि सभी नदियों का शुद्धिकरण हो, क्योंकि ये भारत की सांस्कृतिक धरोहर है, और आज वो सरकार है हमारे पास जो सांस्कृतिक धरोहरों का रक्षण कर रही है, तो हम उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि सबसे पहले यमुना का वो सांस्कृतिक जो कर्तव्य है उनका वो पूरा करें, और भी नदियों को वो शुद्ध करें, क्योंकि वो सभी हमारी मातृतुल्य हैं। छोटी सी बात यह है कि हमारे देश की प्राकृतिक संपदा, वन संपदा, जल संपदा, इन सबकी सुरक्षा करना बहुत आवश्यक है, और हम जैसे कि आपसी ने आज्ञा की, हम जल को देवता मानते हैं, तो हमारे इस अभियान के द्वारा हम सभी का शनि शनि हम प्रयास करेंगे। मुख्यतः अभी श्री यमुना जी के लिए हम कर रहे हैं, तो श्री योगी जी से हमारी यही हमारा अनुरोध है कि जैसे बन सके श्री यमुना जी को शुद्ध करने का प्रयास करें, राजनीतिक तौर पे जो कर सकते हैं, और इसी के लिए ये हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। एक छोटी सी बात और मैं कहना चाहूँगा कि शास्त्र ने मनुष्य के लिए 5 प्रकार के यज्ञ ब्राह्मणों के लिए बताए हैं, लेकिन राजाओं के लिए किसी यज्ञ का विधान है नहीं, राजा कौन से यज्ञ करेंगे,
तो बड़ा ही सुंदर वाक्य है कि दुष्टस्य दंडः सुजनस्य सेवा न्यायात् कोशस्य संप्रवृद्धिः अपक्षपालः राष्ट्र सेवा पंचयिता यज्ञाः कथिता नृपाणा। राजाओं के लिए ये पांच यज्ञ बताए गए हैं, एक सुजनस्य दंड दुष्टस्य दंड दुष्टों को दंड देना, सज्जनों की सेवा करना, न्याय से अपने कोष को समृद्ध करना, चौथा है अपक्षपात पक्षपात नहीं करना, और पांचवा है राष्ट्र की सेवा करना। अब ये सारे कार्य हमारी आज की सरकार बहुत कई प्रतिशत अच्छे ढंग से कर रही है और उसमें सफल भी हुई है। सो उसके लिए बहुत सरकार के लिए साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब ये काम भी कर दें जो हमारा अभियान है तो फिर उनकी जय जयकार है। तो हम यही संदेश देना चाहते हैं योगी सरकार को कि हमारा अनुरोध सुने और इस दिशा में जो है वो शीघ्रता शीघ्र जो कर सकते हैं करें। धन्यवाद। हमारा जो कर्तव्य है उसका अनुरोध किया है। एक प्रकार की जो अवेयरनेस है हमारे हिंदुत्व में, आज कहीं ना कहीं पिछले कई सालों से वो अपने आप में ही संजो के रह गई थी, पर आज वो समय है क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी है कि राज्य का राष्ट्र का जो राजा है वो यदि समृद्ध होगा, वो यदि बलवान होगा, वो यदि यशस्वी होगा तो प्रजा आप यशस्वी होगी। तो आज वो हमको याद होता है कि हमारे जो राजा हैं वो आज कुछ तौर पर ये हमारे हिंदुत्वता के कार्य कर रहे हैं। इसीलिए हमें अपेक्षा भी है कि हमारे सनातनी परंपराओं में जितने भी संप्रदाय हैं, जहाँ जहाँ जो कमियाँ हैं, जहाँ जहाँ वो अव्यवस्थितता है, उनको कैसे भी करके धीमे धीमे उसके पर विचारधारा चल रही है। तो पूरे समाज से मैं अनुरोध करता हूँ कि यमुना शुद्धिकरण यज्ञ में आप सब जुड़े, केवल जुड़े नहीं अपना दैनिक मंत्र बनावे कि भाई कैसे भी करके जो यमुना जी का अशुद्धिकरण है उसको निकाल के हमको ये शुद्धिकरण करना है। पिछले सालों में हमारे जो राष्ट्रपति थे प्रतिभा थे पाटिल, उनसे भी हम मिलने गए थे, उनको भी ये बात का ज्ञात करवाया था, पर वो समय की परिस्थितियाँ कुछ अलग है और आज के समय की परिस्थितियाँ कुछ अलग है। तो हमने पूरा विश्वास है कि ये जो सरकार है हमारे कार्य बिल्कुल ये परिपूर्ण होगा। पानी दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः। जिस प्रकार यदि आप अग्नि का स्पर्श इच्छा से करें या अनिच्छा से करें, उसका काम है जलाना, वो तो आपको जलाएगी। उसी प्रकार यदि आप प्रभु का नाम इच्छा से लें या अनिच्छा से लें, वो अपना कार्य तो प्रभु तो करेंगे ही, वो अपना महात्म्य तो दिखाएंगे ही। हरि ही हरति पापानि, हमारे जितने भी पाप हैं उन सबको हर लेंगे। और यही बात हमारे श्री यमुना जी के लिए भी लागू पड़ती है। यमुना जी इतने कृपालु हैं कि वो जीव के पापों को तो हरी लेते हैं, साथ ही साथ वो जीव को प्रभु तक पहुंचाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक साधन बनते हैं। और हमारा ये कर्तव्य है कि जब यमुना जी श्री यमुना जी हमारे लिए इतना कर सकती हैं कि हमें भगवत प्राप्ति तक करा सकती हैं, इससे उत्तम बात क्या हो सकती है। जब वे इतना बड़ा कार्य कर सकती हैं तो हमारे लिए तो ये बहुत ही छोटी सी बात है कि हम उनकी रक्षा करें। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम पूर्ण निष्ठा से मन बुद्धि चित्त अहंकार सब लगाकर और इस अभियान में जुड़ें और प्रभु कृपा से ये अभियान पूरा हो।